पिछले 3 जुलाई से भागा विकास दुबे अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन विकास की गिरफ्तारी से सब कुछ पूरा हो गया ऐसा नहीं है। असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, जब विकास से कई राज उगलवाए जाएंगे। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राज दबाने के लिए उसका एनकाउंटर हो जाए, इसकी संभावना थोड़ी कम नजर आ रही है, क्योंकि यह बात भी सामने आई है कि विकास दुबे ने आत्मसमर्पण किया है। यूपी पुलिस पर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं, विकास दुबे को संरक्षण भी पुलिस ने ही दिया है। इस बात को पिछले दिनों हुई घटना साबित कर रही है, उसे आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड की सजा हो सकती थी यदि पुलिस उसके खिलाफ गवाही दे देती, जिसमें उसने संतोष शुक्ला की हत्या की थी। लेकिन चश्मदीद बने 3 पुलिस वाले अपने ही गवाही से मुकर गए। उत्तर प्रदेश के तीनों बड़े दल भाजपा, सपा और बसपा से उसके संबंध रहे हैं। सपा की टिकट पर तो विकास की पत्नी ने चुनाव भी लड़ा था। विकास दुबे बसपा में था और भाजपा के शासनकाल में संतोष शुक्ला हत्याकांड में पुलिस गवाही से मुकर गई थी। विकास की गिरफ्तारी से सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर उसके भागने में किन किन लोगों ने सहयोग किया है। इसके अलावा विकास दुबे के काले कारोबार में कौन कौन शामिल है जो सफ़ेद पोश और खाकी पोश में है। यूपी पुलिस इस मामले में तह तक जाने का पूरा प्रयास करेगी, क्योंकि यूपी पुलिस उसे गिरफ्तार करने किसी बड़े आदेश के तहत ही गई थी। इस मामले में कानपुर रेंज के कई बड़े पुलिस अफसर की भी छुट्टी कर दी गई है। कोई भी अपराधी बगैर संरक्षण के बड़ा अपराधी नहीं बन सकता, इस बात का इतिहास गवाह है। देश के कई बड़े अपराधियों को खाकी वर्दी और सफ़ेद पोश नेताओं का संरक्षण हमेशा से मिला है। चंद रुपयों के लिए जनता की जान को जोखिम में डालने वाले ये लोग भी उतने ही गुनाहगार हैं। उधर मध्य प्रदेश पुलिस और सरकार इस मामले में इंटेलिजेंस इनपुट का हवाला देकर पूरा श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, यह राजनीति का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का कहना है कि हमारी पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें पुलिस ने छोड़ रखा है और आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, जिस मामले में कई लोगों की जान भी चली गई थी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी आरोप लगा दिया है कि विकास दुबे को एनकाउंटर से बचाने के लिए आत्मसमर्पण का ताना बाना मध्य प्रदेश बीजेपी के एक बड़े नेता के माध्यम से बुना जा रहा है। उधर प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस गिरफ्तारी पर CBI जांच की मांग की है। वैसे इन सभी बयानों को गहराई से समझे तो ऐसा लगेगा कि विकास को बचाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। विकास की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले का पटाक्षेप हो जाए ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि त्रिकोणीय संबंधों का कच्चा चिट्ठा अभी खुलना बाकी है। DNX TV रायपुर।